बैटरी चार्जिंग टिप। आजकल गर्मियाँ बहुत बढ़ गई हैं और गाड़ियों के बैटरी, टू व्हीलर के बैटरी एक्सप्लोड कर रही हैं, तो मैक्सिमम ट्राई कीजिए कि रात को जब थोड़ा टेम्परेचर कम हो तभी चार्जिंग पे लगाएं, और चार्जिंग पे ऐसी जगह लगाएं जहाँ थोड़ा वेंटिलेशन प्रॉपर हो और फ़ैन की सुविधा हो, या नहीं तो फिर आप ऐसा एक छोटा सा पंखा अलग से लगा सकते हैं जिससे बैटरी जब चार्जिंग है 100% होने को है तब चालू कर दो, तो उसका जो बॉक्स है वो भी जल्दी ठंडा हो जाएगा। इवन ये फ़ैन बंद होने के बाद भी वो कूलिंग करता रहेगा। और चार्जिंग ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ से आपका एग्जिट गेट, अगर आप घर पे चार्ज कर रहे हैं रिमूवेबल बैटरी, तो आपका एग्जिट गेट दूर हो इस बैटरी से। इन केस ऑफ एनी एक्सप्लोशन आप उधर से एस्केप कर सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं, सेम दरवाजे के पास, अगर वो पास में वो प्लग है तो उधर ही लगा देते हैं, तो वो क्या, वो काफ़ी सही नहीं है। अगर आप इन केस ऑफ एनी एक्सप्लोशन आप बाहर जाना है तो आप बाहर जा नहीं पाओगे, तो ऐसी जगह रखो जो मेन डोर से दूर हो और प्रॉपर वेंटिलेशन हो, जैसे कोई बालकनी का एरिया। और अभी देखिए चार्जिंग बंद हो गया है, और ये कनेक्टर हो तो तभी इसको मत निकालिए, काफ़ी गर्म होता है। इसको थोड़ा ठंडा होने दीजिए एक 10-15 मिनट, उसके बाद ही इसको डिस्कनेक्ट करें। लेकिन चार्जिंग ख़त्म होते ही ये प्लग स्विच बंद कर दीजिए, और ऐसा ये फ़ैन रख दीजिए, ऑक्सिलरी फ़ैन। तो उससे क्या है कि ये अंदर के जो कंपोनेंट है वो फास्टली कूल डाउन करेंगे और ख़राब नहीं होंगे। इसको भी पंखे के नीचे ऐसे रहने दीजिए, और तुरंत गाड़ी मत चलाइए, आधा पौना घंटा ये बैटरी को कूल डाउन होने दीजिए। होप ये टिप्स आपको सही लगी होंगी। ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू।